हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी। तो मैं इधर उधर की फालतू बातें न करते हुए डायरेक्ट सीधा पॉइंट पे आती हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि विटामिन ई के कैप्सूल का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, कि हम अपने बालों की समस्याओं से यानी स्प्लिटन से, डैंड्रफ से, ड्राइनेस से कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं, वहीं साथ ही साथ अपने बालों की हेयर ग्रोथ को प्रमोट कर सकते हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बात जो याद रखनी है कि विंटर सीजन आ गया है, हमारे बाल ड्राई होंगे तो उनमें डैंड्रफ होगा और ऑब्वियस सी बात है स्प्लिट एंड देखने को मिलता है और हेयर फॉल देखने को मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि कभी भी आपको हेयर वॉश बिना ऑयलिंग के नहीं करना है। विंटर में ऑलरेडी हमारे जो हेयर्स की जड़ें होती हैं वो ड्राई होती हैं, तो ऑयलिंग मस्ट है। अगर आप ऑयलिंग नहीं करते हो या फिर आपने बिल्कुल ऑयलिंग करना छोड़ रखा है, तो अपने बालों को बचाने के लिए, गंजेपन से बचने के लिए आप अभी से ही, आज से ही ये प्रण ठान लीजिए कि मैं बिना ऑयलिंग के तो कभी सर धोऊंगा या फिर धोऊंगी ही नहीं। ठीक है, आपको अपने बालों को ड्राइनेस से बचाना है तो विंटर सीजन में ऑयलिंग करना बिल्कुल मस्ट है। और जब आप ऑयलिंग करोगे तो आप कोई भी अपना फेवरेट ऑयल ले सकते हो। आप नारियल का तेल ले सकते हो, आप सरसों का तेल ले सकते हो, आप अरंडी का तेल ले सकते हो, आप तिल का तेल ले सकते हो, जो भी आपको सूट करे वो आप तेल ले सकते हो। उस तेल को डबल ऑयलिंग मेथड के थ्रू जब वो तेल हल्का गर्म हो जाए तो आपको उसमें विटामिन ई के कैप्सूल अपनी हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग ऐड करने हैं। जैसे मैं अपनी हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग 3 कैप्सूल ऐड करती हूँ, उसी तरह से आप 1, 2, 3, 4 कैप्सूल को ऐड कर सकते हो। इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करके आपको अपने बालों की जड़ों में अच्छे से तेल लगाना है, मसाज करनी है और नीचे के टिप में तेल लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। काफी लोग होते हैं जो बालों की जड़ों में तेल लगाते हैं बट जो हमारे बालों की हेयर लेंथ होती है उसको बिल्कुल इग्नोर करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। जो तेल होता है वो हमारी जड़ों को तो नरिश करता है, मजबूत बनाता है, वहीं साथ ही साथ जो हमारी हेयर लेंथ होती है उसको शाइनी बनाता है, डिटेंगल करने में हेल्प करता है, सन की यूवी रेस से प्रोटेक्ट करता है। तो इसीलिए आप अपनी डेली लाइफ रूटीन में ऑयलिंग करना तो मस्ट ही ऐड कर लीजिए, चाहे वो विंटर सीजन हो, चाहे वो समर सीजन हो, चाहे वो मॉनसून सीजन हो, ऑयलिंग तो मस्ट ऐड करना है। और ऑयलिंग के साथ साथ सिंपल से आपको विटामिन ई के कैप्सूल भी ऐड करने हैं, चाहे वो कोई भी मौसम चल रहा हो। विटामिन ई के कैप्सूल, आपका ऑयल, आपको दोनों को मिक्स करके अच्छे से अपने बालों की जड़ों में लगाना है। अब देखो क्या होगा, जो तेल है, तेल के जो पोषक तत्व होंगे वो तो हमारे बालों की जड़ों को मिलेंगे ही मिलेंगे, वहीं साथ में अगर हम विटामिन ई के कैप्सूल को ऐड कर देते हैं तो इनकी जो न्यूट्रिशन की पावर होगी वो और भी ज्यादा बूस्ट होगी। विटामिन ई के कैप्सूल होते हैं वो हमारे बालों को लंबा करने में मदद करते हैं, कमजोर बालों को वो न्यूट्रिशन देते हैं जिससे हमारे बाल लंबे होते हैं, घने होते हैं। और जो हमको प्री मैच्योर ग्रे हेयर की समस्या देखने को मिलती है ना, वो भी विटामिन ई के कैप्सूल रिकवर करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो इसीलिए आपने मोस्टली देखा होगा कि लोग, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो आपके आसपास की लाइफ हो, विटामिन ई के कैप्सूल को अपने फेस पे, अपने हेयर्स पे लगाते हैं, क्योंकि वो एक एंटी एजिंग के रूप में वर्क करता है, हमारे बालों की जड़ों को नया बनाए रखता है, वहीं साथ ही साथ अगर हम अपने चेहरे पर लगाते हैं तो हमें एंटी एजिंग से भी रोकता है। तो इसीलिए मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी कि जब भी आप ऑयलिंग करें तो विटामिन ई के कैप्सूल को ऐड करें। विटामिन ई के कैप्सूल आपको डैंड्रफ न होने में भी हेल्प करते हैं, तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी कि आपको विटामिन ई के कैप्सूल को जरूर ऐड करना है। मैं जब भी तेल लगाती हूँ तो मैं विटामिन ई के कैप्सूल को जरूर से जरूर ऐड करती हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे कंटेंट के साथ। सो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।